हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास स्क्रिप्चर बिल्डर। तो ये लाइफ प्रोसेस का लास्ट पार्ट चल रहा है। इसमें मैं आपको एक्सक्रीशन इन प्लांट्स बताऊंगी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बताऊंगी, और ये आज चैप्टर एंड हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं, अब मैं उसका स्ट्रक्चर बताऊंगी। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ उस पार्ट्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। ये जो हमारे वेस्ट ब्लड होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल कंटेन करते हैं, वो इसके थ्रू आते हैं, और ये से कहते हैं हम वोमेंस कैप्सूल, जहाँ पे ढेर सारे कैपिलरीज होते हैं। उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो सारे कैपिलरीज वेस्ट मटेरियल के साथ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को भी फिल्टर करके बाहर आगे एक्सटर्नल ट्यूब में भेज देते हैं। वो एक्सटर्नल ट्यूब होता है हमारा प्रॉक्सिमिनल ट्यूब। ये होता है हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूब। हमारे यूजफुल सब्सटेंस इसमें क्या क्या आते हैं? अमीनो एसिड आते हैं, सॉल्ट आते हैं, वाटर आते हैं, ग्लूकोज आते हैं। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब में मेन जो चीज रीअब्सॉर्ब होता है, मैंने बताया था जो रीनल ट्यूब होते हैं, ये तीनों का फंक्शन होता है रीअब्सॉर्प्शन करना इम्पोर्टेंट सब्सटेंस का। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब में मेनली ग्लूकोज अमीनो एसिड रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और रीअब्सॉर्ब करके ये जो आप रेड कलर या ये जो आप ब्लू कलर की पाइप्स देख रहे हैं, ये सब कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड ट्यूब्स है, जिसमें प्योर फॉर्म ऑफ जो हमारा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, जैसे कि मिनरल्स हुआ, ग्लूकोज हुआ, तो ये सबको वापस इसमें भेज दिया जाता है, और फिर ये हमारे पूरे बॉडी में फैल जाती है, मीन्स हमारे बॉडी में वापस चली जाती है। ओके, तो यहाँ जो लूप है, इस लूप में हमारा मेन सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब होता है, वो है हमारा वाटर एंड सॉल्ट। जो एक्सटर्नल वाटर और सॉल्ट हमारा बॉडी एब्सॉर्ब कर लेता है, तो अगर वो बाय चांस यहाँ से निकल जाता है ड्यू टू हाई प्रेशर, तो इसे लूप में यहाँ पे वाटर और सॉल्ट को रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद जो हमारा मेन वेस्ट जो बचता है, वो जाता है हमारे डिस्टल ट्यूब में। इस ट्यूब में हमारा मेन वेस्ट मटेरियल होता है, उसके बाद ये मेन डक्ट के थ्रू फ्लो करके हमारे यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो ये था ओवरऑल फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ओके, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जैसे कि आप देख सकते हैं, मेन बात है कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में जो तीन फंक्शन होते हैं, पहला फंक्शन है वो फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? जो जो कि यहाँ गोल मैरस और हमारा वोमेंस कैप्सूल करता है, तो यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन होता है। दूसरा जो काम है, इन शॉर्ट में बता रही हूँ नेफ्रॉन का, दूसरा जो काम है वो है रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन हमारा होता है, ये ए को मैंने फिल्ट्रेशन डिनोट किया है, बी को रीअब्सॉर्प्शन, और सी को सेक्रेशन। ठीक है, तो एब्सॉर्प्शन हमारा कहाँ होता है? फिल्ट्रेशन हमारा होता है हमारे नेफ्रॉन की फर्स्ट पार्ट में, जो पार्ट कंटेन करता है ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद ये मूव करता है इस ट्यूब में। ये ट्यूब जो है हमारा, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब, जो कि हमारे नेफ्रॉन का सेकंड पार्ट है। रीनल ट्यूब का ये एक पार्ट है, कंस्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन होता है किसका? ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का। ठीक है, जो बी से मैं रीअब्सॉर्प्शन डिनोट की हूँ। उसके बाद ये आता है, ये मेन लूप है जहाँ पे मैंने बताया सॉल्ट और वाटर का मेन एब्सॉर्प्शन होता है। सिक्रेशन यहाँ पे होता है, जैसे कि रीअब्सॉर्प्शन में होता है कि ट्यूब से इंपॉर्टेंट चीज को भेज दिया जाता है हमारे कैपिलरीज में, मींस ब्लड कैपिलरीज में, यहाँ पे। ओके, यहाँ से ये भेज दिया जाता है। सेक्रेशन में होता है कि जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस, मान लीजिए कि प्योर ब्लड में भी कोई हमारा वेस्ट मटेरियल चला गया, नाइट्रोजनस कंपाउंड चला गया, यूरिन चला गया, कुछ अमाउंट में चला जाता है, 100% प्योर नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे प्योर ब्लड में अगर यूरिन या नाइट्रोजनस कंपाउंड है, तो उसको वापस वापस इस ट्यूब में भेजना, वापस इस ट्यूब में भेजना, यहाँ से इसे वापस इस ट्यूब में भेजने को हम सेक्रेशन कहते हैं। तो नेफ्रॉन में तीन फंक्शन होता है, पहला है फिल्ट्रेशन, सेकेंड है रीअब्सॉर्प्शन, और थर्ड है सेक्रेशन। उसके बाद जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो जाता है मेन डक्ट में और यूरिन के थ्रू निकल जाता है। ये एक सिंपल डायग्राम है, आप इसे इजिली समझ सकते हैं। ओके, अब मैं बता दूं, यहाँ एफेरेंट बता रहा है, यहाँ पे एफेरेंट मतलब होता है कि यहाँ पे वेस्ट ब्लड आते हैं, और इफेरेंट मतलब वेस्ट ब्लड, मींस जो प्योर ब्लड है वो वापस हमारे बॉडी में जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है यूरिया विद इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, वाटर, ये ए दिखा रहा है। मीन्स यहाँ फिल्ट्रेशन में बात हो रही है, फिल्ट्रेशन में
हमारे ये इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के साथ वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकल जाता है। यहाँ पे सी है यहाँ पे सिक्रेशन। सिक्रेशन का मतलब होता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज हमारे प्योर ब्लड सॉरी जो वेस्ट मटेरियल हमारे प्योर ब्लड में चला गया उसको वापस इस ट्यूब में भेज देना, इसे हम सेक्रेशन कहते हैं। ओके अब आगे बढ़ते हैं। अब यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है? ओके देखो नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिक एसिड आर फिल ओवेट, यहाँ पे छूट गया। ओके नाइट्रोजन वेस्ट हमारे मेन वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का जिसे हम यूरिक एसिड या यूरिन कहते हैं। ओके फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है हमारा? फिल्ट्रेशन यूनिट है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं जो कि एक थिन वॉल होता है जिसके अंदर बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, बहुत सारे ट्यूब्यूल से बनके एक नेफ्रॉन हमारा रेडी होता है। ओके उसके बाद है यूरिन कैसे फ्लो करता है? यूरिन हमारा नेफ्रॉन किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स फंक्शन करते हैं तीन फंक्शन, फिल्ट्रेशन रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। उसके बाद जो हमारा मेन वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है वो हमारा जाता है यूरेटस में। यूरेटस के बाद ये जाता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जहाँ पे ये स्टोर होता है और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू ये हमारे बॉडी से बाहर चला आता है। ओके ब्लैडर जो होता है वो एक मस्कुलर पाउच होता है। ओके तो इसका जो कंट्रोल होता है वो नर्वस कंट्रोल होता है, ये अंडर नर्वस कंट्रोल के अंदर काम करता है। ओके उसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर चला जाता है। ओके तो यहाँ तक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन था, कैसे वर्क करता है, उसमें क्या काम करता है, मैंने फुल डिटेल दे दिया। आई मस्ट से कि आप लोगों को ये समझ आ जाना चाहिए, अगर नहीं आते तो प्लीज आप पिछले वाली वीडियोस देख के आए, देन इट विल बी क्लियर मोर एंड मोर बेटर। ओके नेक्स्ट अब हमारा जो आता है लास्ट पॉइंट लास्ट टॉपिक जो है एक्सक्रीशन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ऑफ ये जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन एनिमल बॉडी में बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे डेवलप सिस्टम होते हैं, बट प्लांट्स के बाद ऐसा कोई चीज नहीं होता, इसीलिए उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, ये बहुत इजी है। मैंने आपको ट्रांसपिरेशन पढ़ाया है, उसमें वाटर का ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, मिनरल्स का कैसे होता है, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको फोटोसिंथेसिस मींस आपको एक्सक्रीशन इन प्लांट्स बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके तो स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीजन होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है मैंने बता दिया है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ऑक्सीजन बाहर होता है वो एज द मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट का। प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन। और ये कब निकलता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय। ओके हम ट्रांसपिरेशन में जो एक्सेस वाटर निकलता है, ट्रांसपिरेशन क्या है मैंने आपको ये एक डिटेल वीडियो दे दिया है पहले, अगर आप नहीं देखे तो प्लीज गो एंड मैं बता दूं कि हमारी हर चीज एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी नोट्स है, एनसीईआरटी पॉइंट्स है, तो ये आपकी बोर्ड्स में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो जो एक्सेस वाटर भी रिलीज होता है प्लांट से वो भी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है। ओके और ये कब होता है? ट्रांसपिरेशन के समय। ट्रांसपिरेशन के समय यहाँ पे मैंने आपको ट्राइग्राम बताया है, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। Other waste in a form of dead cells and lost some parts such as leaves. और जो other waste product होते हैं, other waste form जो होता है जैसे कि dead cell हुआ, या dead cell जब बहुत जब dead हो जाते हैं तो पत्ते झड़ना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक waste product है plant का। Okay? बहुत सारे waste product जो होते हैं plants के वो store हो जाते हैं cellular vacuoles में। Waste products are stored in a cellular vacuoles. Okay. Other waste products store in the form of resin, gums, especially in old xylem. और भी बहुत सारे waste products होते हैं जैसे गोंद, गोंद को हम गम कहते हैं, resin means rubber. ये सब plant के waste products से बनता है, waste material से बनता है. Okay. Also excrete some water in waste in soil. और plants अपना waste soil में भी छोड़ते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, डे के समय उसे सनलाइट मिल रही है, CO2 मिल रहा है एनवायरमेंट से, उसके बाद ये एक्सेस H2O निकालता है, O2 निकालता है, इसका फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, तो प्लीज आप उसे देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, बिकॉज सब एक चीज में कवर करना एक बहुत ही बड़ा और लेंदी बन जाता है। अब आगे मूव करते हैं, आगे चैप्टर अब एंड। ये बताया है
रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, जब वो एक्सक्रेशन करता है उस समय हमारा वेस्ट मीन्स प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है इन अ फॉर्म ऑफ वाटर, इट इज अ डेड सेल, और इन अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन जो कि रेस्पिरेशन के समय होता है। तो ये था ओवरऑल हमारा आज का पॉइंट्स, आज का लेक्चर जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और ये चैप्टर एंड होता है। इसके बाद आई विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बायो, और हमारे चैनल से जुड़े रहे। हम आपको यहाँ पे SST इंग्लिश और बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सारा देते हैं, और वो NCERT बेस्ड होता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने सीनियर से पूछे देन वो आपको जरूर सजेस्ट करेंगे कि NCERT पढ़ो, NCERT से ही हर चीज है, बिकॉज टीचर को कोर्स में NCERT के पॉइंट्स चाहिए, NCERT के लाइन चाहिए, चाहे आप जितना भी बुक पढ़ ले। तो मेक श्योर कि आप फॉलो करें NCERT बुक। थैंक यू।